वाणी चल रही थी 13 जुलाई 1968 और दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, कोई को समझाना है तो तोते मिसल नहीं समझाना है, खुद हद्दी समझा हुआ हो तो फिर जिज्ञासु कोई प्रश्न करता है तो उसका अच्छी तरह से उत्तर भी दे सकता है। तोते मिसल रटा हुआ होगा तो प्रश्न का जवाब नहीं दे सकेगा। ये तो बच्चे समझते हैं कि विनाश सिर पर खड़ा हुआ है, तुम इसके लिए बाप को बुलाते हो, क्या करके इस पुरानी दुखदायी जीर्ण छीर्ण दुनिया का विनाश करो। और नई दुनिया की स्थापना करो। और सबको मौत के घाट उतारो। मौत आत्माओं की तो होती नहीं है, होती है क्या? जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे उनकी तो मौत नहीं होगी। किनकी होगी? जो देवान में टिके हुए होंगे। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं करने वाले होंगे उनके लिए मौत आया कि आया। सन्यासी भी कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो हिंदू धर्म का विनाश चाहती हैं। उनका भी जवाब देने वाला होना चाहिए। बोलो, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता, कोई देश के नाम पर कोई धर्म का नाम होता है क्या? अमेरिका का रहने वाला होगा, अमेरिका में अमेरिकन धर्म होता है क्या? बर्तानिया का रहने वाला होगा, उस नाम पर धर्म पड़ेगा क्या? रूस का रहने वाला और रशियन धर्म पड़ेगा क्या? देश के नाम पर धर्म का नाम नहीं होता है। ये तो विदेशी लोग आए हैं, इन्होंने भारत का नाम बदल करके हिंदुस्तान नाम रख दिया। वास्तव में हमारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो हिंदू धर्म के बदले देवता बनाना है। जो पक्के देवता धर्म के होंगे वो तो कभी भी कन्वर्ट होने वाले नहीं होंगे। जो और धर्मों के प्रभाव में आने वाले हैं वो कच्चे हैं, और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं।
दूसरे धर्म वाले कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। क्योंकि हिंदुस्तान पुराना देश है, पुराने ते पुराना है, यहाँ के बासिंदा भी पुराने, तो जो कच्चे थे सनातन धर्म के वो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। और दूसरे दूसरे धर्मों में विचार पनपता है, स्वदेश में विचार को बुरा माना जाता है। विचार के कारण जनसंख्या और देशों में ज्यादा बढ़ती गई और भारतवासी जो पक्के थे उनकी संख्या कम होती गई। आज देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोप हो चुका है, जैसा गीता में भी लिखा हुआ है। जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आकर के स्थापना करता हूं। पूरा तो लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नाम ही है सत्य सनातन धर्म। सत्य का कभी नाश नहीं होता है। और धर्मखंड और देश और धर्म विनाश को प्राप्त होते हैं। ये भारत खंड कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, अविनाशी खंड है, क्योंकि इसकी स्थापना करने वाला भगवान स्वयं अविनाशी है। वो संपूर्ण है, ऐसा संपूर्ण है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये सदैव ही पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूर्ण भी कोई ले ले, जैसे कि हीरो पार्टधारी, सचिरूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी सत्यनारायण कहा जाता है, जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानी नहीं है, सब देवताओं की ग्लानी है, घर घर में उसकी पूजा होती है, एक ही सत्य है। उस सत्यनारायण ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो अपूर्ण नर से संपूर्ण नारायण बना और संपूर्ण की याद से बना। वो संपूर्ण है शिव, उसका नाम है सदाशिव। वो सदाशिव में से संपूर्ण योग की शक्ति भरने वाला नारायण, सारे
सारी शक्ति खींच लेता है, तो भी सेवा पूर्ण हो जाता है या पूर्ण ही बचता है, पूर्ण ही रहता है। ऐसा ये सत्य सनातन धर्म का स्थापन करने वाला सच्चा बाप है, जो सदैव संपूर्ण है। वो आते हैं तो जो भी धर्म धर्म के नाम पर अधर्म बन चुके हैं उनका विनाश करा के सत्य सनातन धर्म की, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो देवी देवता धर्म नर से नारायण बनाने का, नारी को लक्ष्मी बनाने का एक संपूर्ण उपक्रम है, जो भगवान बाप ही आकर के सिखाते हैं। ऐसा रिस्पांड दिया जावे तो सभी कहेंगे वाह, स्वर्ग में सिर्फ देवताएं ही होते हैं, नाम ही है स्वर्ग, उसके बदले इस दुनिया का नाम है नरक। स्वर्ग स्थापन करने वाला ही है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, देह के बंधन में आने वाला नहीं, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। वो आकर के अपने बच्चों को भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाते हैं। परंतु बच्चे तो बच्चे हैं, बाप बाप ही है। वो ऐसा बाप है जिसको संग का रंग नहीं लगता है, वो बापों का भी बाप है। जो भी बड़े से बड़े धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उन सब का बाप है। ये धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज वाले थे, उनके चित्रों को चेहरे को देखने से ही पता चलता है कि जैसे उनकी मन बुद्धि इस दुनिया में नहीं है, कहीं ऊपर लटकी हुई है। गुरु नानक का चेहरा देखो, महात्मा बुद्ध का चेहरा देखो, क्राइस्ट का चेहरा देखो, वो निराकारी तेज झलकती है। परंतु वो अधूरे बाप हैं, अधूरे धर्म खंडों में आकर अधूरे धर्म की स्थापना करते हैं। वो सब धर्म खंड विनाशी हैं, चाहे चीन जापान बौद्ध धर्म खंड हो, चाहे अरब देश हो, अफगानिस्तान, ईरान, इराक हो, जहां मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, अथवा ब्रिटानिया हो,
जहां क्रिश्चियन धर्म पनपा है, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हिस्ट्री बताती है कि आज से 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था। साबित होता है कि वो समुद्र के गर्त में डूबा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी 300 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में नहीं था, वो भी समुद्र के गर्त में डूबा हुआ था। इब्राहिम का स्थापन किया हुआ इस्लाम धर्म जो अरब देशों में फैला, वो भी विनाशी धर्मखंड है। बल विधर्मियों के बीच में सबसे पुराना है। ये सब असत है। सत धर्म की स्थापना करने के लिए एक ही सत्य बाप को आना पड़ता है। तो तुम बच्चों को खुशी से शरीर छोड़ना है। तुम बच्चे माने जो आत्मिक स्थिति में रहने में पक्के हो गए, आत्मिक स्थिति अर्थात अनुरूपात्मा, स्वयं प्रकाशित सितारे के समान आत्मा, इस स्वरूप की स्मृति में रहने वाले हैं, जिसके लिए गीता में बोला है ब्रह्मोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, प्रकृति के मध्य में इस प्राण रूप आत्मा को, ज्योति स्वरूप आत्मा को बलि प्रकार याद करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, पक्का अभ्यास करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, गीता कहती है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये मन बड़ा ही चंचल है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो भगवान ने कहा, अभ्यास है तो कौन थे, अभ्यास करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बार बार मन बुद्धि बाहर की ओर भागेगी, बहिर्मुखी बनेगी, बार बार बहिर्मुखी से खींचकर प्रकृति के मध्य में उस सितारे को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। और उसका सबसे अच्छा फाउंडेशन का टाइम है अमृत वेला, सूर्योदय से पहले जितना अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, फाउंडेशन पक्का होगा तो सारा दिन अवस्था निराकारी बनेगी, निरहंकारी पने का अनुभव करेंगे। देह अहंकार न होने की वजह से आत्मा हल्की फुल्की अनुभव करेगी। यह अभ्यास पक्का करना पड़े। ऐसा अभ्यास पक्का होगा तो तुम बच्चे महाविनाश के हाहाकार के बीच भी, जब इस दुनिया में शहर शहर में एटम बम फट रहे होंगे, अशांति ही अशांति फैल रही होगी, और हम बच्चे शांति स्टेज में रहेंगे,
ये प्रैक्टिस की बात है, खुशी से शरीर छोड़ेंगे। शास्त्र में भक्ति मार्ग में कोई कोई ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे कहे गए हैं जो खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। समझते हैं मुक्ति मिल जावे, परंतु आत्मा कोई सदा काल के लिए मुक्त नहीं होती है। जो लोग समझते हैं कि आत्मा मोक्ष को पावे, सदा काल से ऐसा पुरुषार्थ लोग करते आए हैं कि आत्मा सदा काल की मुक्ति को पावे, परंतु अगर इस तरह आत्माओं की सदा काल के लिए मुक्ति हुई होती तो मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती या घटती? घट जानी चाहिए। और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कह रही है? बढ़ रही। मनुष्य जाति की ही जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, मनुष्य जाति का वृक्ष है मनुष्य का शरीर और बीज है आत्मा। जड़ जंतु जो होते हैं, जड़ बुद्धि वाले, उनमें भी मेल फीमेल होते हैं। मनुष्य जाति में भी मेल फीमेल आत्माएं हैं, जो कभी मेल जन्म लेती है कभी फीमेल का जन्म लेती है कर्म संस्कारों के अनुसार। वो बीज सदैव बीज है, बीज का कभी नाश नहीं होता है। तो एक तरफ वो ब्रह्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम मुक्ति में जावे, सदा काल की हमारी मुक्ति हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा अविनाशी है। एक ओर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा अविनाशी है। दोनों बातें कैसे संभव होंगी? आत्मा पानी का बुदबुदा है, जैसे सागर में से चुल्लू भर पानी लेवे, वो सागर का अंश है, और वो चुल्लू भर पानी सागर में फेंक दिया जाए तो कहेंगे वो चुल्लू भर पानी सागर में लीन हो गया। वही चुल्लू भर पानी कभी वापस आ सकता है क्या? उसको कहेंगे लीन होना। परंतु वो लीन होना माने उस चुल्लू भर पानी का अस्तित्व तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सागर में मिलकर के सागर हो गया, वो चुल्लू भर पानी जो अंश था उसमें गुण तो वो ही होगा जो सागर के पानी में गुण होता है। क्या गुण होता है? खारा होता है। तो चुल्लू भर पानी भी मीठा होगा क्या? खारा ही हो। अगर आत्माएं परमात्मा बाप का अंश है तो उनमें दुर्गुण कहां से आ जाते हैं? और सभी मनुष्य आत्माओं में नहीं, जो भी जड़ जीव जंतु है सब में दुर्गुण भरे हुए हैं। ये कहां से आए?
कहेंगे इसके रंग से आए। जब नई सृष्टि बनी थी, नया सृष्टि रूपी मकान बना था, तो नई चीज सुखदाई होती है या दुखदाई होती है? ये सृष्टि भी सुखदाई थी, आत्माएं सभी सुखदाई थी, वहां कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माएं दुखदाई नहीं होती है। पहले मनुष्य सतोपदान के बाद तमोपदान बनता है, और मनुष्य के संसर्ग संपर्क में आने वाली मनुष्य आत्माएं को फॉलो करने वाली सारी मनुष्य के जड़ जीव जंतु संघ के रंग में आकर तमोपदान बनते हैं। मिसाल के तौर पर जंगल में रहने वाले प्राणी पशु पक्षी होते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या मनुष्य के संसर्ग संपर्क में रहने वाले प्राणी ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य मन वाला प्राणी है, मन बुद्धि मनुष्य में प्रकट रूप से होती है, वो मन बुद्धि की पावर से वायुमंडल को कंट्रोल कर सकता है, वातावरण को बनाए अथवा बिगाड़ सकता है, परंतु ये पावर आत्मिक स्थिति से पैदा होती है, एकाग्रता से पैदा होती है। जब ये पावर खत्म हो जाती है, आत्माओं के तामसी होने के कारण, तो वायुमंडल लगातार बिगड़ता ही रहता है। मानवीय वातावरण वायुमंडल भी बिगड़ता है, मनुष्य कितना भी चाहे सुधारना, सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रक्रिया कोई जानता ही नहीं कि आत्मा रूपी बीज का परिष्करण कैसे किया जाए। जड़ बीजों का परिष्करण करते हैं, तो उनसे ज्यादा पैदाइश होती है, बड़े बड़े फल निकलते हैं, लेकिन आत्मा रूपी चैतन्य बीज का परिष्कार कोई जानता ही नहीं। ये सिर्फ जो आत्माओं का बाप है वो ही जानता है, वो एक ही तुरीय आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने के कारण सदैव ज्ञान का सागर है, और जो भी आत्माएं हैं वो सात जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। ऐसे नहीं कि वो आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं, नहीं, पुनरावर्तन होता रहता है। एक साइकिल पूरा होता है चतुर्युगी का, फिर दूसरी चतुर्युगी शुरू होती है, तीसरी चतुर्युगी शुरू होती है, अनादिकाल से ऐसे ही चलता चला आया। अभी वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा फिर इस सृष्टि पर आया हुआ है, आत्माओं का परिष्करण करने के लिए यौगिक प्रक्रिया सिखाता है, परंतु उस यौगिक प्रक्रिया में भी जो कन्वर्ट होने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, और धर्मों में भारत से कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जाती रही, दुनिया में प्रदूषण फैलाया,
विचार फैलाया और दुनिया को दुख लेने के देने के निमित्त बन पड़ी। वही आत्माएं ईश्वर के आ जाने के बावजूद भी ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण तो करती है परंतु फिर प्रदूषण फैलाती है। ये एक प्रकार से शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, परमात्मा बाप के आने पर ये कार्य होता रहे। बाप तो आता है 100% नई दुनिया बनाने के लिए। अब व्यभिचारी शिवालय की दुनिया बनाने के लिए, परंतु कन्वर्ट होने वाली आत्माएं अपनी आदत से बाज नहीं आती और ईश्वरीय कार्य में विवधान फैलाती हैं। फिर भी विचार का पोषण करवा देती है। और विचार का पोषण होने से दुनिया वैश्यालय बनेगी या शिवालय बनेगी? वैश्यालय बनती है। परंतु जो जैसा करेगा वैसा पावेगा। है सारी रंग संग के रंग की बलिहारी। ईश्वर बाप को पहचान कर अंजाम कर दुनिया के सामने ढोल पीट कर कि भगवान बाप आया हुआ है स्वर्ग स्थापन करने के लिए, फिर औरों की मत पर चल पड़ना और बाप को लात मार देना, बाप की बात को न मानना, श्रीमत के बदले मनुष्य की मत पर चलना, मन मत पर चलना, इससे दुनिया में कौन सी शूटिंग होती है? विभिचार की, वैश्यालय की शूटिंग होती है। और वो आत्माएं स्वयं भी वैश्यालय में जाने के निमित्त बनती हैं और संगी साथियों को भी जन्म जन्मांतर के लिए वैश्यालय में ले जाने की निमित्त बन जाती है। भगवान बाप तो अच्छा करने के लिए ही आता है परंतु वो खुद तो कुछ नहीं करता, वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है। हाँ, गीता में जो शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, तो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव जब इस सृष्टि पर आता है वो तो जानता है ना, इस सच रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन कौन हैं, उनमें प्रवेश करके वो माता पिता का पार्ट बजाता है। जो दुनिया में गायन है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, नाम दे दिया है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी मामा ने मां, दुनिया की बड़े से बड़ी माता, जिससे बड़ी माता प्यार देने वाली सहनशीलता को धारण करने वाली कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। उसका नाम पड़ता है पाठधारी का ब्रह्मा। परंतु वो परमपिता परमात्मा का माता का रूप है, वर्षा देने वाले बाप का रूप नहीं है। माता
बेसिक पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बनती है बच्चों को, वो बेसिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी सरस्वती का ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा में प्रवेश करके वो परमपिता जो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम ब्रह्म वाक्य सुनाता है, उसको कहते हैं वेदवाणी। वेद माने जानकारी, सत्य की जानकारी। सत्य क्या है, सत्य युग क्या है, नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया क्या है, झूठ खंड क्या है, सच खंड क्या है। क्योंकि जाने बगैर तो कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता, तो वो आकर के सत्य का ज्ञान देता है। वो सत्य के ज्ञान को धारण करने वालों में जो अव्वल नंबर पढ़ाई पढ़ने वाला निकलता है, वो ही हीरो पाठधारी सत्यनारायण कहा जाता है, जिसकी यादगार में भारतवर्ष में घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है। परंतु वो कथा, वो जीवन कहानी परंपरा से चलते चलते हजारों वर्ष बीत जाते हैं, कोई जानता ही नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा को ही उसकी सत्य जानकारी देनी पड़ती है कि सत्य सत्य सत्यनारायण की ये कथा है कि कैसे वो सत्यनारायण संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला बनता है, हीरो बनता है, और फिर यौगिक शक्ति क्षीण होते होते सुख भोगते भोगते अनेक जन्म लेते लेते आत्मा किस तरह सतोपधान से तमोपधान बन जाती है, हीरो पाठधारी की जगह क्या बन जाती, जीरो पाठधारी बन जाती। कहां 16 कला संपूर्ण चंद्रमा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण चंद्र, 16 कला संपूर्ण नारायण, और कहां कलहीन जिसमें आत्मिक शक्ति का नाम निशान नहीं रहता, अंश मात्र कहने मात्र चैतन्यता रहती है, बाकी पत्थर बुद्धि जिसकी यादगार में हमारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो लिंग मूर्ति जो पत्थर की ज्यादा तादाद में मिली, उससे थोड़ी तादाद में ताम्र मूर्तियां मिली हैं, लिंग मूर्ति उससे भी थोड़ी तादाद में रजत लिंग मिले हैं, उससे भी कम तादाद में स्वर्ण लिंग मिले हैं, और भारत की हिस्ट्री है जो पुराना का पुराना मंदिर है उनका सोमनाथ मंदिर, उसमें भी वो पत्थर का लिंग तो था परंतु उसमें हीरा जड़ा हुआ है। स्वर्ण लिंग की ज्यादा कीमत होगी
या हीरे की ज्यादा कीमत होगी? आज मनुष्य का जीवन पत्थर बुद्धि के होने के कारण, पत्थरों को याद करने के कारण, पत्थरों की मूर्तियों को याद करेंगे तो बुद्धि पत्थर बुद्धि बनेगी या पारक बनेगी? जैसे को याद करेंगे वैसी बुद्धि बनेगी। चोरों डकैतों का संग करेंगे, चोरों डकैतों की याद आती रहेगी तो उनके वाइब्रेशन, उनका वातावरण, उनके संग का रंग स्वतः ही लगता रहता है। तो बुद्धि कैसी बनेगी? चोर डकैतों जैसी बनेगी। यही हाल भारतवासियों और भारत के हीरो पाठधारी का हो जाता है। अंतिम जन्म में आते आते, संघर्ष करते करते वो हीरो पाठधारी आत्मा भी अंतिम जन्म में जीरो बन जाती है। आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है, पत्थर का लिंग कहा जाता है। आज शिव के कोई भी मंदिरों में चले जाओ वो पत्थर के ही लिंग मिलेंगे। क्यों? उसकी पूजा क्यों होती है? पूजा का आधार क्या होता है? पूजा का आधार होता है प्योरिटी। लिंग बड़ा रूप है या लिंग में जो बिंदु रखा जाता है वो बड़ा रूप है? वो बिंदु परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव की यादगार है। जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया था, और लिंग जिस मनुष्य तन में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जब तक ये नारकीय शक्ति बदल करके स्वर्गीय शक्ति न बन जाए अथवा स्वर्गीय शक्ति का फाउंडेशन न पड़ जाए, तब तक उस लिंग में प्रवेश करता है। वो सारा ही टाइम शूटिंग का टाइम है, रिहर्सल का टाइम है, रिकॉर्डिंग का टाइम है। रिहर्सल के टाइम पर जो जैसा पार्ट बजाएगा ब्रॉड ड्रामा में वही पार्ट प्ले होगा। नूंद हो जाती है। भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देता है। देता है क्या? नहीं, वो तो रास्ता बताता है, कीमत देता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा पावेंगे, वैसा करेंगे तो वैसा पावेंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता है। अब जो आत्मा जैसा पार्ट बजाती है, जन्म जन्मांतर उनको वैसी ही प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान जब भाग्य बांटने आया था तो सोए हुए थे क्या? मन अज्ञानी में सोए हुए थे क्या? अज्ञानी माने क्या? भगवान जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान के सवेरे में ले जाने वाला है,
यह रात्रि में ले जाने वाला अंधकार में ले जाने वाला ज्ञान है। बाकी मनुष्यों से जो कुछ सुनते हैं या मनमत से जो हम चलते हैं, ईश्वर की श्रीमत को छोड़कर चलते हैं, उससे हम अंधेरे की दुनिया बनाते हैं। अंधेरे में भटकना होता है, ठोकरें खानी होती हैं, धक्के खाने होते हैं। नहीं तो भगवान तो इस सृष्टि पर आकर के हमको जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है राजयोग सिखाकर, नहीं तो कोई बताए। ये जन्म जन्मांतर जो हिस्ट्री में राजाएं हुए हैं, इनको राजाई अर्थात कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई, कब सिखाई? जरूर भगवान ही आकर के रंग को राजा बनाता है, अभी बना रहा है। अब ये तो नहीं है कि पढ़ाई पढ़ने वाले जितने भी होते हैं वो सब ऊंच पद पा जाते हैं, पाते हैं क्या? नहीं, पढ़ेंगे, कहते भी है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, खेल कूद करते रहेंगे, खेल करते हैं ना फालतू के, तो होंगे खराब। तो कुछ अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बिगाड़ते रहते हैं, अपना भी बिगाड़ते हैं और संग में पार्ट बजाने वाले साथियों का भी पार्ट खराब कर देते हैं। अभी भगवान हमारी मुट्ठी में भाग्य देने के लिए आया हुआ है, चाहे तो हम अपनी मुट्ठी में भाग्य जन्म जन्मांतर का बनाए लेवे और चाहे तो जन्म जन्मांतर का भाग्य खराब कर ले। बाकी मुसलमान लोग ऐसे कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। लेकिन वास्तव में भगवान को सुख का सागर कहा जाता है, सुखदाता कहा जाता है या दुखदाता कहा जाता है? दुख का सागर कहा जाता है, कोई नहीं कहता। भगवान तो सुख ही देने आता है और सुख मिलता है सब कर्म से, सब कर्म पुण्य को कहा जाता है। पुण्य क्या होता है? पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, उसकी साधारण से साधारण परिभाषा क्या है? ऐसा कर्म जिसके रिजल्ट में हमें और दूसरों को भी सदा काल का सुख भासता रहे, वो है पुण्य। और ऐसा कर्म हम करें जिसके रिजल्ट में सदा काल के लिए क्या भासता रहे, दुख भासता रहे, वो है पाप। भगवान पाप करना नहीं सिखाता, दुख देना नहीं सिखाता। उसका तो नारा है, न दुख दो न दुख लो। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। सुख का ही फाउंडेशन डालना चाहिए। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो बिगड़ी हुई दुनिया में आएंगे
या सुधरे हुए युग में आवेंगे। मकान जब पुराना हो जाता है, दुखदाई हो जाता है, तब ही कोई बाप पुराने मकान को गिराकर नया बनाता है। भगवान बाप भी ये सच रूपी मकान जब सतयुग सतो प्रधान से बदलते बदलते त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में आकर तम प्रधान बन जाता है। उसकी निशानी है कि हर मनुष्य आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से तन से, धन से, मन से दुख जरूर अनुभव करती है। दुख लेती है और दुखी मन सा वाचा कर्मणा दूसरों को देती है। कोई ऐसी आत्मा देखी मनुष्य आत्मा? सुनी जो ये कहे कि मैं सदैव ही सुखी सुख में हूं और दूसरों को सुखी सुख देता हूं? कोई ने नहीं देखी सुनी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गायन कैसे होता है सत्यनारायण का? सत्यनारायण की तो शास्त्रों में भी कोई ग्लानी नहीं है। जरूर सुख ही दिया होगा। मंदिरों में भी जाते हैं तो उनके जड़ चित्तों को देखने से ही खुशी हो जाती है। तो जब उन्होंने चैतन्य रूप में पाठ बजाया होगा तो कितने सुखदाई रहे होंगे। जो भी आत्माएं उनके संसर्ग संपर्क में संबंध में आई होंगी सबने सुख ही अनुभव किया होगा। चाहे संबंध में आने वाली हो, संबंध गहरा होता है, संपर्क हल्का होता है, तो संबंध में आने वाली आत्माएं भी सुखी ही सुख अनुभव करती हैं, किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं करती। शरीर के द्वारा ही सुख और दुख दिया जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा ही सुख और दुख भोगा जाता है। तो वो सत्यनारायण का पार्ट ही ऐसा है कि कोई भी मनुष्य आत्मा उनसे दुख का अनुभव नहीं करती है, सुख ही सुख का अनुभव करती है। हाँ, अपनी ही गलत फहमी के कारण कोई दुख अनुभव करे सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुख अनुभव करे वो दूसरी बात। नहीं तो भगवान बाप तो कहते हैं कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति को पाया है। क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की सुनी सुनाई बातों से अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लिया। तो कितनी दुर्गति हो जाती। भगवान बाप तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म सदैव भय पैदा करने वाला, दुख पैदा करने वाला है। अभी भगवान बाप तो जन्म जन्मांतर का सुखी ही सुख बांटने आए हैं, परंतु माया ऐसी है जिसका नाम है माया रावण। राम नहीं, एक ओर है राम और दूसरी ओर है रावण। क्या अंतर है खास है? राम है एक मुख वाला
रावण है अनेक मुख वाला, कहते भी हैं झूठ, एक झूठ बोलता है या झूठे को बीसों प्रकार का झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे के पीछे लाइन लग जाती है झूठ की। और सत्य तो निर्भय होता है, डंके की चोट बोलता है, उसको काट छांट करके बोलने की जरूरत ही नहीं। तो राम है एक मुख वाला, रावण है अनेक मुख वाला, माने अनेक मते देता है। खासकर कितने मुख दिखाए जाते हैं? 10 मुख। दुनिया में भी 10 प्रकार के खास धर्म चल रहे हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश गाया हुआ है पुराने जमाने का, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद है तीसरा इस्लामी, चौथा बौद्ध, पांचवा क्रिश्चियन, छठा सन्यास, सातवां मुस्लिम, आठवां सिख और नौवां धर्म निरपेक्ष। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, तुम किसी भी धर्म पे चलो, हमको वोट देते रहो, पैसे दे दो, धर्म आरम से हमें कोई मतलब नहीं। सब धर्म झूठे हैं, कोई धर्म पर हमें कोई आस्था नहीं है। ऐसा क्यों होता है? धर्म निरपेक्ष क्यों? क्योंकि ऐसी आत्माएं जो इब्राहिम के इस्लाम धर्म स्थापन करने के साथ ही साथ अवसरवादी होने के कारण जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई, क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई। जो जो धर्म पिता और धर्म की स्थापना होती गई वहां वहां कन्वर्ट होते रहे, और सबको छोड़ते गए। तो उनके जन्म जन्मांतर की धर्म पर स्थिर रहने की आस्था अधिक होगी या डगमगाने वाली होगी? वो तो किसी धर्म पर विश्वास नहीं करेंगे। आज उनका शासन चल रहा है सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया में धर्म निरपेक्ष प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन। भगवान ने आकर जो राजयोग सिखाकर राजाएं बनाए थे सत्यनारायण जैसा, वो राजाई देश देशांतर में खत्म हो गई। एक आखिरी देश बचा हुआ था नेपाल। जब भगवान आते हैं तो ऐसा संगठन बनाते हैं नया, जिस नए संगठन में पालना का काम वो आत्माएं करती है। कौन सी आत्माएं? जो आत्मिक स्थिति की ऊंची स्टेज में रहने वाली है, जिसकी यादगार नेपाल नीचे बसा हुआ है या ऊपर पहाड़ों पर बसा हुआ है, ऊंची स्टेज में बसा हुआ है। जैसे शिव के मंदिर ऊंची स्टेज में होते हैं या नीचे होते हैं,
ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते हैं। तो वो एक देश नेपाल में एटमिक एनर्जी जब तैयार हो जाती है तो भी राजाओं का राज्य चलता रहता है, शासन चलता रहता है। और अभी अंत में तो वो भी नेपाल में राजा का राज्य है या राजा का राज्य खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब दुनिया के किसी भी देश में, एक भूटान को छोड़कर, क्या नाम है, भूटान, भ्रू माने भ्रकुटी, और जब गुस्से में आता है तो भ्रकुटी न्यू तानी और दुनिया का विनाश हो जाता है। शास्त्रों में गायन है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भ्रकुटी के तानने मात्र से ही सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। वो परमपिता परमात्मा की मुख्य मूर्ति है, वो भी पहाड़ पर बसी हुई है। एक ही देश में राजा का राज्य रह गया, वो छोटा सा देश है। और उसके जो पक्के फॉलोअर हैं, वो कितने हैं? है? सिर्फ 8 निकलते हैं, अष्टदेव कहा जाता है। नवरत्न कहे गए हैं, शंकर के मस्तक के ऊपर वो 8 की माला दिखाई जाती है। तो सृष्टि के पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक सहयोगी बनकर के रहते हैं, अंतिम जन्म में तो माया किसी को छोड़ती है ही नहीं, सांप नीचे गिर जाते हैं। एक ही है जो अडिग रहने वाला है, एक ही सितारा है। 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं ना, 9 लखा हार गाया जाता है ना, 9 लाख में से जो सृष्टि के आदि की श्रेष्ठ राजा की 9 लाख प्रजा है, 9 लाख सितारों में एक ही सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल रहता है। क्या नाम है? ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारा अर्थात निश्चय बुद्धि, आदि से अंत तक ईश्वरीय ज्ञान में और ईश्वरीय पाठ पर अडिग रहकर चलने वाला है। इसलिए यादगार में आज भी वो भूटान देश है जहां राजा का शासन अभी भी चल रहा है। दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है, जैसे बालू के ऊपर महल बनाया जाता है ना, ऐसे एटम बम ढेर के देशों ने बनाकर रखे हुए हैं। दो विश्व युद्ध हो चुके, एक दशक भी पूरा नहीं हुआ, एक शतक भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? जो दो विश्व युद्ध हुए थे
उसमें भी दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार हुई थी। उन बम्बियों ने भी सारी दुनिया को हिरोशिमा नागासाकी पर जो कहर बरसा सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तब तो 20-20 मेगावाट के थे और अब हजारों हजार मेगावाट के हैं। क्या बुद्धि खराब नहीं हो सकती दो देशों में मुखियाओं की? हो सकती है या नहीं? और एक ने अगर प्रयोग कर दिया तो दूसरा चुप बैठा रहेगा? तो दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है और माया का पसारा ऐसा फैला हुआ है कि सांप की बुद्धि को बांध के रखा हुआ है। एक आत्मा है जो ईश्वरीय ज्ञान में जो मुख्य संदेश है कि भगवान बाप आया हुआ है, मुकरर रथ में साकार रूप में आया हुआ है, नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है। तो सत्य संदेश को लेकर के 100% अडिग रूप में एक आत्मा स्थिर है, बाकी सब कुछ न कुछ अपने अपने धंधे धोरी में रमे हुए। उन्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या होने वाला है कल। तो जिसको दिखाई देता है वो तो तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा से पूरी बाजी ईश्वरीय सेवा में लगाएगा या पेट की रोटियों में लगाएगा? काय में लगाएगा? ईश्वरीय सेवा में लगाएगा। जिसको पक्का निश्चय हो चुका कि भगवान बाप आया हुआ है, विश्व का पालनहार है, तो हमारे पेट की पालना नहीं करेगा क्या? भगवान बाप भी कह रहे हैं, ब्रह्मा के मुख से बोल रहे हैं, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है, ब्रह्मा के नाम से चलाई हुई सारे विश्व में व्यापक एक ही संस्था है, कौन सी? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। तो ब्रह्मा की रचना है, अम्मा की रचना है या बाप की रचना है? अम्मा की रचना है। भगवान अम्मा के रूप में आता है या बाप के रूप में आता है? अम्मा के रूप में आकर बच्चों को वर्षा देता है सुख शांति का, या बाप के रूप में सुख शांति का वर्षा देता है? बाप के रूप में देता है। वो बाप पांडवों का बाप है। पांडव गुप्त होकर के भ्रमण करते हैं, ये प्रत्यक्ष रहते हैं, तो बाप कितना गुप्त होगा? तुम्हारा दान मान पुरुषार्थ प्राप्ति सब कुछ गुप्त है। उन्होंने गीत बनाई दिया है, भक्ति मार्ग वाले तो गीत ही गाते हैं ना, गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान, अब तो जाग जागे इंसान। गीत बनाने वाले कहते तो आया शिव भगवान, पूछा जाए कहां आया है तो जैसे दुनिया वाले कहते हैं सर्वव्यापी है, वो भी क्या कहते हैं? है क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है कहते हैं, है नहीं? मुख से नहीं कहते हैं लेकिन अंदर से समझते हैं
कि भगवान का ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो पार्ट है वो हमारा पार्ट है, त्रिमूर्ति शिव का पार्ट हमारा है और किसी दूसरे का नहीं है, सर्वव्यापी मानने वाला मानना ही हुआ। कहते हैं मुख से भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है, पाठ पढ़ाते हैं दूसरों को, लेकिन पूछा जाए सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहां है बताओ, साबित करो, ब्रह्मा के वाक्यों से साबित करो। जिसको तुम ब्रह्मा के वाक्य कहते हो, ब्रह्मा के वाक्य तो अटल होते हैं, तो कुछ नहीं बता देंगे।